अगर आप भी विराट कोहली को एक महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के बाद जहां दुनिया भर में उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया को भारत की जीत हजम नहीं हो रही है और उन्होंने भारतीय टीम और खिलाड़ियों को लेकर कुछ ऐसी बातें कर डाली है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तानी मीडिया में और कैसे भारतीय टीम को लेकर खबरें फैलाई जा रही है, इसे जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा विराट कोहली में से कौन है बेहतर बल्लेबाज, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम ने हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के दमदार प्रदर्शन के दम पर पाकिस्तान की टीम को 5 विकेट से हराकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया। भारतीय टीम की शानदार जीत पर पूरे पाकिस्तान में शौक का माहौल बन गया है और लोग अलग अलग तरीके से भारतीय खिलाड़ी और टीम को निशाना बना रहे हैं। तो वहीं पर कुछ ऐसे मीडिया चैनल भी हैं जो लोगों को सच दिखाकर गुमराह होने से बचा रहे हैं। पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार ने भारत की इस जीत पर कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला हर एक मुकाबला ऐतिहासिक होता है, ऐसे में सारी दुनिया में लोग इस मुकाबले को देखते हैं। पिछली बार हमारी टीम ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया था और भारतीयों को 10 विकेटों से करारी शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार भारतीय टीम ने बेशक इसकी बेहद शानदार प्रदर्शन किया जिससे और उन्होंने इस मुकाबले को हासिल किया और इस जीत के लिए भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इस मुकाबले को जीतने के लिए अपनी जी जान लगा दी है और हमारी टीम को अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये टूर्नामेंट अभी लंबा चलने वाला है। तो वहीं पर पाकिस्तान के एक दूसरे मीडिया हाउस ने भारतीय टीम की इस जीत पर लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिला जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को शुरू से बैकफुट पर रखा, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने अंत में आकर पाकिस्तान से इस मुकाबले को छीन लिया और हमारी टीम इस मुकाबले को जीत नहीं पाई। लेकिन हमें इस हार से उदास नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी हो सकता है कि हमारी टीम भारतीय टीम से एक बार फिर इस टूर्नामेंट में आमने सामने आए और तब पाकिस्तान इस मुकाबले को जीतेगा और हिंदुस्तान को बताएगा कि क्रिकेट का बादशाह कौन है। पाकिस्तान की इस हार को अधिकांश पाकिस्तानी पचा नहीं पा रहे हैं और वहीं अपनी ही टीम की जमकर क्लास ले रहे हैं। पाकिस्तान के एक फेमस न्यूज़पेपर एजेंसी ने भारत पाकिस्तान के मुकाबले पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह क्रिकेट का गेम है और इसमें वही जीतता है जो उस दिन बेहतर प्रदर्शन करता है। यदि भारत ने इस मुकाबले को जीता है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए क्योंकि भारतीय ने बेशक ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है और हर डिपार्टमेंट में हमारी टीम को धूल चटाई है। हमारे खिलाड़ियों को पॉलिटिक्स छोड़कर सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही उनका काम है और इसी के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। यदि और वो बड़े टूर्नामेंट में जाकर नहीं जीत सकते हैं तो क्रिकेट खेलना छोड़ दें और कम से कम ये हमारे देश की बेइज्जती कराने से तो अच्छा ही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस एशिया कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन अधिक रन बनाएगा, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।